नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। सेना से भागकर आए युवक ने अपने ही माता पिता पर गोली चला दी। बताया जाता है कि युवक अपना हिस्सा लेकर अपनी पत्नी के साथ अलग रहना चाहता था, तो उसने बंटवारे की बात अपने पिता से कही। पिता ने हिस्सा अलग करने से मना कर दिया, जिससे बौखलाए बेटे ने अपने ही माता पिता को गोली मार दी। गोली पिता की जांघ और घुटने के नीचे लगी है, जबकि माँ की एड़ी के ऊपर बंदूक के छर्रे धंस गए। घटना के बाद लहूलुहान माता पिता ने शोर शराबा किया, तो आरोपी बंदूक सहित फरार हो गया। गोली चलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आसपास के लोग पहुंचे और पुलिस को सूचना दी, तो आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां से संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना लौर थाना क्षेत्र के पिरड़िया गांव की बताई जाती है। मिली जानकारी के अनुसार अंबिका पांडे, पिता जगेश्वर पांडे उम्र 54 वर्ष और उनकी पत्नी शीला पांडे को सगे बेटे अभिषेक पांडे ने गोली मारी है। बताया जाता है कि आरोपी सेना का भगोड़ा है, जो लंबे समय से गृहग्राम में रह रहा था। विगत दिनों में उसके पिता ने उसे जबरदस्ती सेना में भेजा था, जहां से वह अभी हाल में ही भाग कर पुनः घर आ गया। बताया जाता है कि बेटा नौकरी में जाने के लिए तैयार नहीं था। घटना के दिन भी अपने माता पिता से कर रहा था विवाद, तो पिता ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। वहीं आरोपी ने पिता की 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक उठाकर दोनों के ऊपर गोली दाग दी। गनीमत रही कि गोली पैर और जांघ में लगी, जिससे दोनों की जान बच गई, लेकिन दोनों वृद्ध लहूलुहान होकर जमीन में धराशायी हो गए, जिन्हें उपचार के लिए महोगंज स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया गया। बाद में हालत बिगड़ती देखकर चिकित्सकों ने संजय गांधी अस्पताल को रेफर कर दिया है। आइए सुनते हैं उनके परिजनों का इस मामले में क्या कहना है। ये उनको गोली मारे हैं, देवर को, हमारे देवर है, ये देवरानी है। नाम बताइएगा, इसके बाद कहाँ से आई हैं, ये पूछेंगे तो बताइए। जी, क्या नाम है आपका? रुक्मणी पांडे। कहाँ से आई हैं, क्या घटना हुई है, बताइए। वो पिड़रिया से आए हैं, देवतला के पास पिड़रिया है। क्या घटना हुई? ये गोली उनके लड़के मारे हैं, माँ देवर देवरानी। किसको मारे हैं? हमारे देवर को, देवरानी। क्या नाम इनका, आपके देवर का? अंबिका प्रसाद पांडे। पत्नी कौन थी? शीला पांडे। जिन्होंने गोली मारी है उनका क्या नाम? अभिषेक पांडे। क्या वजह थी गोली मारने की? कोई वजह नहीं है, कुछ पता ही नहीं है ये मारने का। इनका गोली मारने का चला गया, वो ससुराल भाग गया है। अब ससुराल गया कि कहाँ गया ये भी नहीं मालूम। जानकारी ये मिल रही है कि कुछ घरेलू विवाद था, कारण उन्होंने गोली चलाई। अब ये देखिए, वो घर की बात हम ना बता पाए। छुट्टी कब आए थे? छुट्टी से तो आज 2-3-4 महीने हो रहे हैं। नौकरी छोड़ कहाँ कहाँ पदस्थ थे? वो जबलपुर में थे, फौज, यही फौज में मिलिट्री में। नौकरी छोड़ दी उन्होंने? जी, नौकरी छोड़ कर। अब नौकरी छोड़े है कि नहीं ये भी मेरे को नहीं मालूम। मैं उनकी बड़ी मम्मी हूँ, वही अगल बगल सब लोग का हमारा मकान है, पर मेरे को ये नहीं मालूम। हाँ, बोल तो रहे हैं अब सर, मेरे को मालूम नहीं है, ये भी मेरी देवरानी है। किसी ने मारते हुए नहीं देखे? नहीं मारते। आप लोग को कैसे जानकारी है, कैसे आप लोग? हम लोग वो सोचे कि पटाखा फोड़ रहे हैं, तो भगे हैं अंदर से, वहाँ से निकल के, तो यहाँ ये हमारी देवरानी रोड में पड़ी हुई थी, देवर उस साइड पड़े हुए थे, तब अंदाज लगा है कि इनको लगता है गोली मार दी आपसे। वो है गांव में है। हाँ, वजह क्या है, वो नौकरी छोड़ के घर आ गया। हम उसको बोलते थे कि नौकरी पे जाओ, फौज में था वो, एक साल से भगोड़ा चल रहा है, नौकरी पे जाओ बोलते थे, तो नाराज़ हो के रीवा में आके रहने लग गया। और वो गन रखा हुआ था घर में छुपा के, मेरे को मालूम नहीं था। आज मैं खेत में था तो अचानक घर गया, मेरी वाइफ घर पे थी तो उसने दरवाज़ा खोल दिया, बच्चे हैं, बहू और को भी लेके गया था साथ में। अंदर पहुंच गया तो हथियार ले लिया उसने, लोड कर लिया। इसने मेरे को फ़ोन किया, मैं घर आया, बोला लोड है, बच के रहना। तो मैं स्थिति को भांपते हुए कमरे के अंदर था, तो बाहर से चिटकी नहीं बंद कर दिया और घर से बाहर निकल आया, बाहर का भी गेट बंद कर दिया। फिर वो दरवाज़ा तोड़ के कमरे से बाहर निकला, सीढ़ी से छत पे जाके, छत से दूसरे मकान पे कूद के कच्चे मकान पे, और आके फायर कर दिया। जानकारी मिली है कि आए दिन विवाद करते थे पहले वो घर पे? विवाद हमसे कभी नहीं हुआ, उसका फैमिली के साथ कुछ अनबन थी, नौकरी क्यों छोड़ा है वो बोलता हमारा पर्सनल मामला है। सिर्फ हम उसको यही कहते थे कि नौकरी पे जाओ, नौकरी हमने लगवाई थी उसकी, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और उसको रिलेशन में भर्ती करवाया था, नौकरी करो इसलिए, नहीं तो कमाओ कुछ, कुछ ना कुछ करो, बाकी और कोई विवाद नहीं था। लाइसेंस ही बंदूक है। मुझे लगी है, मेरी वाइफ को लगी है, जो कि हम उसके मम्मी पापा हैं दोनों। आपका नाम?
अंबिका प्रसाद पांडे। और वाइफ का? शीला देवी। जो गोली चलाया है? अभिषेक कुमार पांडे। अभी कहाँ है वो? अभी वो फिर गोली चला के भाग गया और ससुराल गया, वहाँ भी किसी को मारने के इरादे से बंदूक को लोड करके। हमने उनको फोन कर दिया था कि आ रहा है, आप लोग संभल जाना। ये युवक था, पहले आर्मी में काम करता था और आर्मी को पिछले करीब कुछ 4-5 साल से छोड़ के आके यहीं रह रहा था। कुछ उसका इलाज भी चल रहा था, बता रहे कुछ डॉक्टर के माध्यम से, कुछ झाड़ फूँक के माध्यम से इलाज चल रहा था। कुछ मानसिक रूप से कुछ परेशान रहता था। उसी में क्या हुआ कि वो अपनी पत्नी के साथ अकेला रहना चाह रहा था, तो अपने पिता से हिस्से बांट के बारे में बात की, बंटवारे को लेके। जब ज़मीन के बंटवारे को लेके बातचीत थी तो शायद पिता ने मना कर दिया। उसी बात को लेके आवेश में आकर उसने अपने पिता और माता के ऊपर फायर किया, जिसमें से पिता के दाहिने पैर पर जांघ पर गोली लगी, माता को भी पैर में गोली लगी है। और दोनों की स्थिति भी ठीक है, दोनों SGH में हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। और उसको आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे बंदूक, उसकी लाइसेंसी बंदूक है वो, और कारतूस जब्त हुए। सर, पिता के छोटे भाई को जमीन देने के पर्पज में उसमें झगड़ा हुआ है, अच्छा है। जो हम लोगों की अभी तक की जांच है, जो प्राथमिक रूप से तथ्य आया, वो ये आया है कि बंटवारे को लेके कुछ विवाद हुआ था और उसी बात को लेके फिर उसने ये हरकत की। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।